साल 2020 हर इंसान के ऊपर कहर बनकर टूटा है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण आम इंसान को तो कई मुश्किलों का सामना करना ही पड़ा, बल्कि बहुत से स्टार्स भी इस दौरान अपने काम से हाथ धो बैठे और पैसे पैसों को मोहताज हो गए। लेकिन टीवी के कई सितारे ऐसे भी थे जिनकी लॉकडाउन के बाद जैसे किस्मत ही पलट गई हो। जी हाँ, कौन से हैं वो 6 स्टार्स जिनकी किस्मत चमकी, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। करण पटेल। कसौटी जिंदगी की में करण पटेल को मिस्टर बजाज के रोल के लिए साइन किया गया है। हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 से एलिमिनेट भी हुए हैं। करण अब कसौटी जिंदगी के लिए शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं और मिस्टर बजाज के किरदार को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। परिधि शर्मा। झोला अकबर और पटियाला बेब्स जैसे शोज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली परिधि शर्मा ने हाल ही में पॉपुलर टीवी शो जग जननी माँ वैष्णो देवी में एंट्री की है। इस शो में वो माँ वैष्णो के रोल में नजर आएंगी, जिसके लिए वो काफी खुश भी हैं। पटियाला बेब्स लॉकडाउन में शूट बंद होने के कारण अचानक ही ऑफ एयर कर दिया गया था, जिसके कारण परिधि शर्मा भी दुखी हो गई थी, लेकिन अब उनकी खुशी वापस लौट आई है। तहसीन शाह। टीवी शो कसौटी जिंदगी की में अनुराग और प्रेरणा की बेटी का रोल तहसीन शाह को मिला है। तहसीन शाह एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट है और उड़ान टीवी शो में उनके एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। मनीष खन्ना। एकता कपूर के हिट शो कुमकुम भाग्य में एक्टर मनीष खन्ना की एंट्री हुई है। मनीष खन्ना शो में विलेन बने हैं और उनकी एंट्री से जबरदस्त ट्विस्ट आएंगे। मनीष ने इससे पहले नागिन और अन्य कई टीवी शोज में नेगेटिव रोल प्ले किए हैं। रेहाना पंडित। कुमकुम भाग्य में ही एक्ट्रेस रेहाना पंडित की एंट्री हुई है। रेहाना पंडित इससे पहले इश्कबाज में नजर आई थी और वो अब इस शो में आलिया का रोल प्ले करेंगी। अंकित मोहन। नागिन 3 और हैवान जैसे टीवी सीरियल्स नजर आए अंकित मोहन की भी चांदी हो गई है। उन्हें टीवी शो जग जननी माँ वैष्णो देवी में बाबा भैरवनाथ के रोल के लिए साइन किया गया है। अंकित मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं है और उन्होंने कहा है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और भैरवनाथ के मंदिर भी कई बार गए हैं। और आशीष सिंह। अलादीन नाम तो सुना होगा, मैं यास्मीन के किरदार में अब टीवी एक्ट्रेस आशीष सिंह निभाएंगी। उन्होंने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। पहले ये किरदार पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट और अवनीत कौर निभा रही थी, लेकिन किन्हीं वजह से उन्होंने ये शो छोड़ दिया।